हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के थर्ड एपिसोड में हम आपको बताएंगे कमर की बेल्ट लगाने का सही तरीका क्या होता है। जब भी हमको बैक पेन होता है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है या स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट आपको कमर की बेल्ट लगाने की सलाह देता है, लेकिन हम कमर की बेल्ट गलत चूज करते हैं, उसको गलत तरीके से लगाते हैं, इसलिए हमको आराम नहीं मिलता है। तो हमको कमर की बेल्ट खरीदते समय और उसको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक राजेंद्र नगर लखनऊ। हमारे पास ये दो बेल्टें हैं और मोस्टली केसेस में यही दोनों बेल्टें कमर के दर्द में इस्तेमाल की जाती हैं। पहली बेल्ट है लंबोसैक्रल बेल्ट। ये बेल्ट काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगर आप इसको अच्छी कंपनी का खरीदते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल की बनी होती है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और ये फोल्ड भी हो जाती है। ये उन केसेस में पहनी जाती है जब आपको नॉर्मली बैक पेन हो या दर्द कभी होता है कमर में, कभी नहीं होता है, या मसल स्पाज्म की वजह से दर्द हो रहा हो। ये बेल्ट काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसकी जो होल्डिंग पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस बेल्ट को पहनने से जो कमर की मांसपेशियां हैं वो रेस्ट में होती हैं, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। दूसरी बेल्ट है लंबोसैक्रल कंटूर बेल्ट। इस बेल्ट की खासियत ये होती है कि इसमें लोहे की स्ट्रिप्स पड़े होते हैं और ये स्पाइन के कर्व के हिसाब से बनी होती है, जिससे एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छी होल्डिंग पावर देती है नॉर्मल बेल्ट की तुलना में, या जो बेल्ट हमने पहले दिखाई थी उसकी तुलना में। ये बेल्ट तब रिकमेंड की जाती है जब कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो, या पैरों में दर्द उतर रहा हो, या स्लिप डिस्क की दिक्कत हो, या स्पाइन में कोई इंजरी हुई हो, या फ्रैक्चर हुआ हो, तब ये बेल्ट पहनी जाती है। इस बेल्ट को पहनने से फ़ायदा ये होता है कि ये डिस्क पे पड़ने वाले दबाव को कम कर देती है, जिससे नर्व कंप्रेशन कम हो जाता है और जो कमर की मांसपेशियाँ होती हैं उनको ये अच्छा सपोर्ट देती है, जिससे उनको रेस्ट मिल जाता है और हीलिंग फास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आपको कमर की बेल्ट खरीदना हो तो आप इस तरह नाप लीजिए, जहाँ पे आप ट्राउज़र पहनते हैं या पैजामा पहनते हैं, नाभि के नीचे आपको नाप लेनी है और आप एक अच्छी क्वालिटी का बेल्ट खरीदिए। अच्छी क्वालिटी की बेल्ट खरीदने से आपको फ़ायदा ये होगा कि वो आपको अच्छी होल्डिंग पावर देगी और अच्छा सपोर्ट देगी। तो चलिए अब हम आपको बेल्ट पहनने का तरीका बताते हैं। तो इसमें जो ये जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है ये ऊपर रहेगा और ये पतला वाला हिस्सा टेल बोन के लेवल में रहेगा, क्योंकि बहुत सी बेल्टें आती हैं जिसमें ये अपसाइड ऊपर नहीं लिखा होता है, जो ये लिखा हुआ है इसमें अपसाइड। तो इसका ध्यान ये रखिए कि चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। तो आप इसको बेल्ट को ऐसे बिल्कुल टेल बोन के लेवल में ऐसे बांधिएगा, ऐसे करके ऐसे, और दूसरे स्टेप्स को भी ऐसे अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होगी तो इससे दर्द बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और डाइजेशन खराब हो जाएगा और यूरिन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर बेल्ट ढीली हुई तो ये इधर उधर भागेगी। तो आप अपने हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से बेल्ट को बांधिए तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब भी आपको कमर का दर्द हो तो आप बेल्ट भी लगाइए, उसके साथ साथ में एक्सरसाइज भी करते रहिए, क्योंकि बेल्ट लगाने से कभी कभी मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, लूज हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, इसकी वजह से दर्द बढ़ने के चांसेस फिर हो जाते हैं। तो आप इसके साथ एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा और साथ में प्रिकॉशन भी लीजिएगा। प्रिकॉशन कैसे लेना है और एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसके लिए मैंने पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कमर की बेल्ट लगाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, पैरों में दर्द जा रहा हो, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर हो, तो आप कंटूर बेल्ट का इस्तेमाल करिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छी होल्डिंग पावर देती है और एक अच्छा सपोर्ट देती है। या जो लोगों को पॉस्चुरल बैक पेन होता है, या बहुत से लोग खड़े होकर काम करते हैं, या महिलाएं बहुत देर तक किचन में काम करती हैं, उस समय बेल्ट को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे, एक तो आपको कमर में एक सपोर्ट मिलेगा, दूसरे जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो ये आपको ध्यान दिला देगा, आपको रोक देगा, जिससे बैक पेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैक पेन फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से भी होते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब भी आप सफ़र कर रहे हों, बाइक से चल रहे हों या कार से चल रहे हों, उस समय आपको बेल्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेल्ट आपको जर्किंग मूवमेंट से बचाएगा,
क्योंकि झटका लगना एक कमर दर्द का मुख्य कारण है। तीसरी बात, आपको सोते समय और लेटते समय बेल्ट बिल्कुल भी नहीं लगानी है। चौथा पॉइंट, आपको बेल्ट बहुत ज्यादा देर तक नहीं लगानी है, सुबह से लेकर शाम तक बेल्ट नहीं लगानी है, हर 2 से 3 घंटे पे आप बेल्ट को उतार दीजिए। बेल्ट लगाने से आपको फायदा ही है, इसका नुकसान कोई नहीं है। जब तक आपको दर्द हो तब तक आप बेल्ट लगाइए, जब दर्द ना हो तो आप बेल्ट को मत लगाइए, सिर्फ एक्सरसाइज ही करिए। और नेक्स्ट, आपके लिए एक बोनस पॉइंट ये है कि जब भी आप इसको धोइए तो आप इसको वॉशिंग मशीन में मत धोइए, सिर्फ हाथ से ही धोइए, तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं तो ये काफ़ी महंगी मिलती है। ये थी बेल्ट के विषय में कुछ जानकारियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जिन लोगों को कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, या चींटी चलने जैसी फीलिंग होती है, पैर में झंझनाहट महसूस होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसको घर पे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको वीडियो मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।